वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बींग्स। आज की रेसिपी में हम गाजर का हलवा बनाएंगे सर्दी के मौसम में। यहाँ पर मैंने ये हाफ के जी यानी कि आधा किलो गाजर ली है और इसको हम अच्छे से वॉश करके छील के कद्दूकस कर लेते हैं। तक हम गाजर को ग्रेट करेंगे, तब तक ये कढ़ाई ले लिया मैंने। इसमें मैं यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमें फुल क्रीम मिल्क लेना है, मलाई वाला। ये मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है आधा किलो गाजर के लिए। इसको अच्छे से गर्म करने देते हैं। पहले दूध में उबाल आ गया है, अब इसमें हम कद्दूकस की हुई गाजर मिला देंगे। यहाँ पर गाजर भी हमने कद्दूकस कर लिया और अब हम इसको दूध में मिला देंगे। गैस तेज़ कर लेते हैं, गैस में उबाल आएगा। इसको चलाते रहें बीच बीच में, जिससे कि ये लग ना जाए नीचे। और इसको गाढ़ा होने तक हमें उबालते रहना है, बराबर चलाते हुए बीच बीच में। कम से कम आधा घंटा के लिए, 30 मिनट्स के लिए इसको हमें इसी में बॉईल करना है। आप अपने इच्छा अनुसार गैस को कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो गैस को स्लो करके धीरे धीरे बीच में चलाते रहें। अगर सिर्फ कोई काम नहीं कर रहे हो, इसको ही देख रहे हो, तो आप तेज़ गैस पर भी इसको रख सकते हो। बस चलाने का हमें बीच बीच में ध्यान रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ी सी हमारी गाजरें हो पक चुकी है और दूध भी कम हो गया, गाढ़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी केसर मिला रही हूँ। इसमें ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप हटा भी सकते हो। इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा हलवे में। तो आपका मन है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो और हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है हलवा। आप बीच में इसको आप चलाना ना भूलें, बराबर चलाते रहें, नहीं तो ये अब किसी स्टेज पर आके लगना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ये थोड़ी सी मलाई रखी है एक दिन की, आप एक या दो दिन की पुरानी मलाई डाल सकते हो। ज़्यादा पुरानी डालोगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुरानी मलाई हमें यूज़ नहीं करनी है, तो इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश। आप अपने इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। इनको मैंने पहले ही पानी में भिगो लिया था, जिससे कि ये पचने में आसान रहते हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये 30 से 40 मिनट पकने के बाद। अब इसमें हम मीठा डालेंगे। मैं यहाँ पर ये एक छोटा कप खांड शुगर डाल रही हूँ। अगर आप वाइट शुगर या ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी मात्रा कम रखें, ये थोड़ी कम मीठी होती है, तो मैं थोड़ी इसको ज़्यादा डाल रही हूँ। मैंने ये एक छोटा कप है जो इसको यूज़ किया और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस स्टेज पर आकर हमें बराबर चलाना है इसको, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ये मीठा डालने के बाद इसमें और अच्छा कलर आता जा रहा है। और ये हलवा हमारा बिना मावा के तैयार होगा। ऊपर से हम कोई इसमें खोआ नहीं डाल रहे हैं। इस तरह से चलाते हुए थोड़ा इसको गाढ़ा कर लेते हैं। बस इसको याद रखना है कि अभी हमें लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये लग जाएगा। ऐसा हमारा हलवा है जो बनने वाला है, दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसमें मिल गया है आप इसमें। बस
चार से पाँच मिनट के लिए और कर लेते हैं, फिर हमारा हलवा जो बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये घी ऐड कर रही हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, बस छोटी वाली दो चम्मच अच्छे से मिला लें। इससे हलवा में फ्लेवर तो आएगा ही, साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। बस थोड़ी देर में हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। स्टेज पर आके चलाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो ये लग जाएगा और फिर जलने जलने की बदबू आएगी हलवा में से। इसकी ये पहचान है, ऐसे होल्ड करके देखोगे बीच में तो यहाँ से पानी नहीं कुछ घी के जैसा निकलेगा, तो आप समझ जाइए कि हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसका पानी है जो पूरा जल गया है। अब ऊपर से मैंने ये पाँच छः इलायची दरदरी कूट ली है, मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू भी आएगी। और फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हलवा में से। ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।